जय हिंद साथियों, बहुत सारे बच्चों को यह समस्या रहती है कि उनको सीन पेन हो गया है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 2-3 दिन रेस्ट लेना है। रेस्ट कैसे लेना है, रेस्ट आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज जारी रखना है। एक्सरसाइज कौन कौन से एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, उसको पूरे आप उपाय बताएंगे। आपको एक वीडियो और दे देंगे जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजें रहेगी, इसमें बता देंगे कि सीन पेन क्यों होता है। सीन पेन के बहुत सारे कारण है कि आप अचानक रनिंग कभी दौड़े नहीं है, अचानक किसी दिन रनिंग ज़्यादा रिपीटेशन लगा दिए, अचानक आपका जूता जो है फ्लैट है, आपके जूते में कर्व नहीं है, जहाँ से यहाँ से जहाँ फ्लैट फुट चेक होता है उसके चलते भी आपको हो जाता है, या जो सरफेस है बहुत हार्ड है, सीमेंटेड वाला है, तो या किसी आप टाइल्स मार्बल पे दौड़ते हैं या किसी पार्क में दौड़ते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या जहाँ ज़्यादा टर्निंग रहता है कहीं कहीं उस पर आपको ये परेशानी हो सकती है, या आपका पैर सही नहीं जा रहा है, किसी पैर पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं उसके चलते हो जाता है। साथ ही साथ आपके शरीर में ज़्यादा फैट है या आपको नौकनी ज़्यादा है तो उससे भी आपको सीन पेन की समस्या हो सकती है। साथियों, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो नी पेन है उसे बहुत वो दर्द से नहीं दौड़ पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनका वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अभी का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ सीन पेन, जो ये सीन पेन होता है यहाँ पे इतना पेन होता है कि आप रनिंग नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ रनिंग की तो बात दूर है, आप सही ढंग से चल नहीं पाते, अचानक आप लोग इतना रिपीटेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। साथियों, सबसे पहले तो अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को भी दूर करना है, और आपको घरेलू उपाय भी बताएंगे क्या क्या करना है। साथियों साथियों क्या करना है उसके लिए आपको बता रहे हैं, ये जो आपका ये सीन पेन है यहाँ पे घरेलू उपाय में क्या करना है, इसमें ये मालिश करना है। यहाँ पे क्या मालिश करना है, सरसों तेल लहसुन को पकाना है, और उसके बाद सुबह शाम दोपहर कम से कम 3 टाइम। हाँ, गलतियाँ क्या करते हैं हम लोग, बस हाथ पे हल्का लेते हैं और हल्का सा लगाते हैं, तेल को पूरे पैर को भिगो देना है, चपचपा देना है, जिस प्रकार आप स्नान करते हैं पूरा बॉडी गीला हो जाता है उसी प्रकार इसको पूरा गीले कर दें, उसको लगाने जब तक अंदर से पसीना नहीं आ जाता है तब तक मालिश करते रहना है। 4 दिन करेंगे, 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जब आप 1 से 2 दिन, आपको बॉडी इंडिकेट करता है कि आपको सीन पेन होने वाला है, तो उससे पहले आपको क्या करने होंगे, 1 से 2 दिन रेस्ट लेने होंगे, रेस्ट में ये सारी चीज़ें करने होंगे। सेकंड चीज़ ब्रदर, आप यदि आप अपने घर में हैं, यदि आपके पास आइस है तो आइस बहुत काम करता है सीन पेन में, आइस से उसको सेकिए, कोशिश करिए कि उसको कपड़ा में आइस को बांध लें, उसके बाद सेकेंगे तो आपका पेन जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। साथियों, आइस के बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा दिक्कत है तो आपको 3 से 4 टैबलेट बताएंगे जिसको आपको यूज करना है, 4 से 5 भी बता देंगे, इतने टैबलेट बता देंगे कि आप जो भी टैबलेट यूज करेंगे वो आपको बहुत ही हेल्प देगा। हालांकि जो ये आइस है और जो आपका मालिश है ये बहुत काम करता है, तो लेकिन आपको टैबलेट भी बता देते हैं, आपको टैबलेट हो गया भोवेरॉन 100 mg, ये बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड, यदि आप किसी प्रकार ये आपका नहीं सुनता है तो इसको ले ले, भोवेरॉन 100 mg। उसके बाद होता है जीरो डॉल एसपी, एक होता है निकोसिया, और आपको आस्प्रिन होता है, वो आइबोप्रोबिन होता है, ये बहुत सारे जो टैबलेट है आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कम से कम 1 मंथ तक विटामिन D3 के लिए, या आप कैल्शियम की टैबलेट जिसमें विटामिन हो, विटामिन D3, विटामिन B12 सारे चीज़ हो, और विटामिन हो डी भी उसमें प्रचुर मात्रा में मिले, वो कैल्शियम का कोई भी टैबलेट हो आप उसको यूज करें, आपका जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। साथियों, उसके बाद आपको क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप मालिश करते हैं इसको क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलतियाँ ये करते हैं कि जो आपका गर्म पट्टी है उसको मालिश करने के बाद बांध देते हैं और रात में बांधे हुए सो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। इस ब्लड सर्कुलेशन जो जाम होता है उसको ख़त्म करने के हम लोग काम कर रहे हैं। जब आप पैर को मालिश करते हैं उसके बाद आप क्या करें, आप मानते हैं मूव लगाते हैं, या आप कोई भी जेल लगाते हैं, कोई भी पेन किलर है जो भी आपका है, भोलनी लगाते हैं या ओमनी जेल लगाते हैं, कोई भी लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गर्म पट्टी है उसको बांधें, दिन में ही बांधें, रात में सोने समय खोल दें, इसको जितना देर आप हीट रखेंगे उतना जल्दी आपका जो ये सीन पेन है ख़त्म हो जाएगा। साथियों, बस ये 2-3 चीज़ों को करना है, उसके बाद आपको मैं जो एक्सरसाइज बताता हूँ वो करना है, इसमें भी आपको 2-3 स्टेप 2-3 एक्सरसाइज बताएंगे, जैसे वेट के साथ
एक टो पे खड़ा होना, कोई भी आप सामान कोई वस्तु दोनों हाथों में सामान ले लें और सीधा खड़ा होने का कोशिश करें पंजे पे, ये फिर डाउन हो जाएंगे। किसी वेट वेट ले लेना है हाथ में, आपको वेट के साथ खड़ा होना है। आपको दिखा देते हैं वन सेकेंड, वेट के ये आप देख रहे हैं वेट, वेट के साथ क्या करना है, बहुत फायदे होगा ये। आपको एक्सरसाइज वीडियो आपको दे देंगे जो कुछ दिन पहले का है, आपको देखना है ये क्या करना है। वेट के साथ टो पे खड़े होना है, ये करेंगे उसके बाद फिर साइड में ये, फिर क्या करेंगे यहाँ पे अप हो जाएंगे और इसको उठाए रखेंगे पंजे पे हो जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर ये होल्ड करेंगे, फिर रखेंगे, फिर होल्ड करेंगे टो पे आपको करने हैं। उसके बाद ज़्यादा पेन है आपको क्या करना है दिखा देंगे, वन सेकेंड देख रहे हैं। आपको ऐसे बैठने हैं, आपको ये एक्सरसाइज वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने उसमें बताए हैं। और आप देख रहे हैं इसे बैठने के बाद थोड़ा सा ये एक बंदा वन सेकेंड इस पर आ जा और मेरे हाथ को पकड़, पीछे धीरे धीरे हमको जाने दो। ये आपको वेट देना है, इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाओ बाबू और आगे, यस बस जाने दो हमको धीरे धीरे, बस पूरा ज़मीन नहीं जाना है, बस इतने पर रोकना है। पूरा बॉडी आपका जो भी पेन है, जो मसल्स पेन है वो भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे पीछे जा, पीछे जा, उतर जा, आपका खत्म हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था ये करें, उसके बाद आप क्या करना है, एक पैर पे भी बैठ के जल्दी जल्दी कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, ये खींचने हैं दोनों बीचों बीच यहाँ पे, यहाँ पे खींचने हैं, फिर ये मैं यहाँ बीचों बीच तो खींचते ही हैं, यहाँ बीचों बीच खींचना है। उसके बाद क्या करेंगे, सीधे दोनों पैर, आपको मैंने बताया था कपड़ा गमछी रुमाल लेकर आप बेड पर जाते हैं, तुरंत खींचना है। देखें कोई चीज़ है, वन सेकेंड साथियों आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसको क्या करना है, घिंचना और पैर को सीधे करना है। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये घिंचना टाइट रखना, फिर नेक पैर में लगाना है, ये घुटना टाइट रखना है हमेशा। ये एक्सरसाइज करने हैं और जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करने हैं, लगाने हैं। और जो हार्ड सरफेस है उसमें दौड़ने से बचने हैं, दो तीन दिन रेस्ट करें, डॉक्टर के पास से भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अभी आपको कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन की विटामिन D3 और जो भी आपको बहुत सारे मेडिसिन दे देते हैं, जिससे आप रेस्ट में जाते हैं, जब रेस्ट के बाद जब फिर आप ग्राउंड आते हैं तो आपको परेशानी होती है, तो उस रेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ग्राउंड हमेशा जाएं, आपको कितना भी पेन है आप लंगड़ते लंगड़ते जाएं, कुछ एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ जो मैंने मेडिसिन बताया, जो घरेलू उपाय बताए हैं आपको, उसको करने हैं। आप नेक्स्ट वीडियो नी पेन का ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो आपके पास, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।